पहले दोस्तों आप आपका काइनमास्टर ओपन करिए। इसके बाद आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से प्लस साइन वगैरह प्लस साइन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से वीडियो इमेज आपका जो भी जिसका ऊपर में स्क्रॉलिंग ऐड करना है उसको ऐड कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों यहाँ से मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो एक इमेज में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, आपको जो इमेज चाहिए और वीडियो चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस इमेज को मैं ऐड कर लिया, जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेयर गया, लेयर के बाद टेक्स्ट में क्लिक कर दिया, ठीक है। तो टेक्स्ट में यहाँ से जो भी लेटर को आप यहाँ से स्क्रॉलिंग करने के लिए चाहते हैं वही लेटर यहाँ से टाइप कर दीजिए, ठीक है। जितना बड़ा लेंथ है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर दीजिए। इसके बाद पोजीशन जिस जगह पे रखना है उसी जगह पे उसको रख दीजिए, ठीक है। रखने के बाद आपको यहाँ से लेटर फॉन्ट आप जो स्टाइल चाहिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका कलर भी आप यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है। कलर चूज करने के बाद यहाँ से लास्ट में टी शो कर रहा है बैकग्राउंड, तो इस बैकग्राउंड को आप यहाँ से चूज कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनेबल कर दीजिए बैकग्राउंड को। इनेबल करने के बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड भी जो कलर चाहिए वही कलर आप सिलेक्ट कर दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ से ब्लैक ले जाता हूँ, ठीक है। तो ब्लैक लेने के बाद नीचे देखिए फुल वाइड बैकग्राउंड शो कर रहा है, उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्योंकि वो फुल वाइड बैकग्राउंड में शो करेगा, ठीक है। इसके बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ओके करने के बाद आपको जितना लेंथ चाहिए उसको ड्रैग कर दीजिए। लेफ्ट साइड में एक क्यू का आइकन शो कर रहा है, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड में एक की का आइकन शो कर रहा है, इसमें क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस लेटर को थोड़ा सा इस पोजीशन में रख दीजिए। इसके बाद टेक्स्ट को एंड तक आगे बढ़ाइए, ठीक है, एंड तक ले जाइए। इसके बाद इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से की शो कर रहा है, की आइकन, इसको जिस जगह में एंड करना है इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह प्लस साइन शो कराएगा, प्लस साइन शो करेगा, इसको क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस टेक्स्ट को स्लोली ऊपर नीचे मत करिए, स्लोली इसको इस तरह ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, एंड तक ड्रैग कर दीजिए, लास्ट तक ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप ड्रैग करने के बाद इसको एक बार प्ले कर दीजिए। तो दोस्त देखिए वो स्लोली स्क्रॉलिंग हो रहा है, जितना बड़ा करेगा उतना लेट में वो स्क्रॉलिंग होगा, जितना छोटा करेगा उतना जल्दी वो स्क्रॉलिंग हो जाएगा, ठीक है, इसका फार्मूला है, ठीक है। अगर दोस्त अगर डुप्लीकेट करना है और कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो आप डुप्लीकेट में इस तरह का ऐड कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद इसको थोड़ा सा टच करके रखिए थोड़ी देर तक, इसके बाद इसको जिस पोजीशन में रखना है उसी पोजीशन को ड्रैग कर दीजिए।
वो ऑटोमेटिक जॉइंट हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा वो जॉइंट है, एक की लाइन में वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्त मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए एंड आपका दोस्त के साथ भी शेयर करिए।